कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मैं राकेश पांडे प्रेसिडेंट प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आज 10 दिसंबर था और 10 दिसंबर का आज का दिन विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारी संस्था पिछले 15 सालों से लगातार इसको मुंबई के अंदर जो है मनाती है और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, हाउ टू फाइट फॉर योर ह्यूमन राइट्स और उनकी वैल्यूज़ को बताने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बिजनेस सेक्टर से लोग हमारे बीच में, मैडम ऋषभ पांडे जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे बीच में, हमारी आर्टिस्ट सुपरस्टार ऑफ द गुजरात किरण आचार्य, महिला कोऑर्डिनेटर जिग्ना सेठ, मुकेश पांडे जी जो अध्यक्ष पैटर्न ऑफ दिस प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और साथ में ही एस के शर्मा जी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जो रहे हैं सीबीआई के अंदर, और साथ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो अभी एडवाइज़र हैं हाल ही में रोहित पांडे जी एडवोकेट, एंड तमाम फिल्मी हस्तियों के बीच में और बहुत सारी हस्तियों के बीच में ये आयोजन हुआ। बहुत ही अच्छा लगा और लोग जिस तरीके से, ये लग रहा है कि सिनेमा पिक्चर देखने के लिए लोगों में क्रेज़ होता है, पिक्चर देखनी है कुछ भी भूल जाता है, सामाजिक कामों में कम होता है, लेकिन हमारे यहाँ मैंने लगातार देखा और इस बार भी देखा है कि वैसे ही जनसैलाब रहा, वैसा ही प्यार मिला और वैसे ही लोगों के अंदर इच्छा देखी कि जो वाकई अपने ह्यूमन राइट्स को समझना चाहते हैं, और यही हमारी एक सफलता है कि लोग अपने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना सीखें और वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के दिन मानवता का समाचार पूरे विश्व में भेजें। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम पिछले 15 सालों से यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें कम से कम हजारों चेहरे ऐसे हैं जिनमें से हमको लगता था कि नहीं, इसमें से मुख्य ऐसे 50-55 लोग हैं, क्योंकि प्रोग्राम में समय भी कम होता है, ऐसे चेहरे बहुत सारे हैं जो हमारे से जुड़े हैं, जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 55 लोगों के को करीब जो है इसमें अमर शहीद मंगल पांडे अवार्ड से इसमें सम्मानित किया गया। और लोग अब जिस जिस क्षेत्र में भी, जो भी इंसान काम कर रहा हो, कोई बिल्डिंग लाइन में भी काम कर रहा हो, कोई कला की लाइन में हो, कोई कढ़ाई बुनाई का काम कर रहा हो, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में जो उसका जरा भी योगदान है तो हम उसको यहाँ पर देते हैं। और दूसरा, समाज सेवा की तरफ किसी को खींचने के लिए भी अवार्ड देते हैं कि भाई आप इसके प्रति जागरूक हो, ये एक सम्मान आपको आज मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि आप समाज के काम आओ, तो शायद एक सम्मान लोगों को समाज में इंसानियत से और मानव अधिकार से जीने की वैल्यू को उसके अंदर उसका अंदर संचार करे, इस नाते जो है हम इस अवार्ड को लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए देते हैं। 6 बजे से तत्पर देख रहा हूं आपकी इसके पीछे आप लोगों भी मैं देख रहा हूं 6 बजे से पहले आ गए, आप लोगों की भी ऊर्जा सेम की सेम है, और साथ में हमारे जो जितने गौतम आजाद जी वाराणसी से आए हुए हैं, मैडम पांडे यहां पर बैठी हुई हैं, सिंह साहब वहाँ से उत्तर प्रदेश से आए हैं, एक्सेशन जज हमारे, आपने इतनी सारी कवरेज जो की, इतनी सारी जो ऑडियो लोग आए हैं हमारे, जो अच्छे खासे जो हर एक फील्ड के लोग जिनको समाज सेवा से शायद करते भी होंगे लेकिन उनको नहीं पता होगा कि किस तरीके से की जा सकती, क्योंकि सब अपने अपने कामों में खोए हैं, लेकिन उनके उत्साह एनर्जी को देख के, क्योंकि आप ये लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके ऐसा माहौल आप नहीं पा सकते हो जब तक कि लोगों के अंदर इसको करने का जुनून ना हो, और लोगों के अंदर इस प्रोग्राम के तहत जो जुनून देखा वही हमारे ऊर्जा में तब्दील हो रही है। और जितने भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर सारे के सारे लोग है, मुंबई है कि कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई ना किसी एक मतलब आप पार्टी फंक्शन में अगर लाखों का करो तो भी लोग यहाँ पे नहीं एकत्रित होते हैं, तो ये ह्यूमन राइट्स के प्रोग्राम में इतनी एनर्जी के साथ लोग हमारे, वही हमारी एनर्जी है। नहीं, एक्चुअली मैं हाँ कलाकार के साथ साथ मैं भी समाज मतलब हाँ खुल के मैं नहीं कर पा रही हूँ कि, लेकिन मुझे अंदर से काफ़ी ऐसी इच्छा है कि मैं भी कुछ लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसे प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया गया और यहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े लोगों के साथ जो आज के दिन मुझे भी मतलब साथ में सम्मानित किया गया, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी और गौरव की बात है। राकेश पांडे जी और मुकेश पांडे जी हर साल ये इतनी एनर्जी से, आप तो अभी की बात कर रहे हैं, इतने साल से मैं उनकी एनर्जी ऐसे ही देख रही हूँ, तो इनकी एनर्जी देख देख के हमें भी कुछ प्रेरणा मिलती है और हमारे अंदर भी वो एनर्जी, वो स्फूर्ति आ जाती है।
जी मैं कभी गुजराती फिल्म एक और अभी राइटिंग चालू है मेरे खुद के प्रोडक्शन में मैं बना रही हूँ और एक वेब सीरीज मेरी अभी रिसेंटली कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी वो पता नहीं है लेकिन वो बन चुकी है एंड हम लोग अभी OTT प्लेटफॉर्म से बात चल रही है तो मैं भी बहुत जल्दी हिंदी वेब सीरीज क्योंकि तो 100 से ऊपर गुजराती गिन नहीं पाएंगे इतना तो उन्होंने गुजरात किया है जी मैं तो पहले तो प्रोग्रेसिव लाइफ फाउंडेशन का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे मैं यहाँ कार्य में 10 साल से हूँ सर से जुड़ी हूँ 10 साल से जुड़ी हूँ मैं एक परिवार की तरह मुझे जोड़े रखा है कहीं भी कोई भी तकलीफ हो तो हमेशा हमें सपोर्ट किया है अभी तो हम एक किन्नर के ऊपर ही हम जाने वाले हैं हमारा एक मुद्दा है कि छोटा सा कि किन्नरों के ऊपर किन्नरों को जो हक नहीं मिलता है वही ये साल में हम यही काम करेंगे कि किन्नरों के सारे हक मिले और उसके लिए हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं और ये मैसेज मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया द्वारा पूरे देश भर में फैले कि किन्नरों को भी हक मिलना ज़रूरी है उनको भी इज्जत मिलनी ज़रूरी है उनको भी सम्मान मिलना ज़रूरी है और उनकी सबसे पहले तो शुरुआत उनकी फैमिली में से होना चाहिए जैसे मन से इन्होंने इस बात का आह्वान किया है और इसको करिए आप और मैं करना चाहती हूँ और आप लोग मीडिया लोग का भी सपोर्ट चाहती हूँ मैं आप लोग से भी जुड़ना चाहूंगी इस मंच की खूबसूरती है ना लोग आके विभिन्न मुद्दों के ऊपर जो है अलग अलग जगह से जो जो पाता है समस्याएं उसके ऊपर काम करना चाहता है आज की दबंगगिरी मेरी वैसे ये 25वीं 30वीं पिक्चर होगी गुजराती भोजपुरी सब में मिला दूँ तो और ये मेरी नेक्स्ट रिलीज है इसके प्रोड्यूसर निर्माता खासतौर पे इसकी खासियत तो ये है ताशकंद फिल्म के जो निर्माता रहे हरेश पटेल जी जो गोविंद भाई पटेल जी के लड़के जो गुजरात में ऐशराज माने जाते हैं और ताशकंद सबसे अवार्डेड मिथुन जी की पिक्चर थी वो इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं और बालाजी जिन्होंने तकरीबन 8 से 10 हिंदी फिल्में और कई सारी भोजपुरी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं उनके बैनर के तले मैंने काम किया है इस पिक्चर से बहुत आशा है और अपनी पिक्चर तो खैर हर एक को अच्छी लगती है जैसे मैंने लीड हीरो काम किया है आज की दबंगगिरी में और ये शीघ्र ही अब अनाउंस होगी और इसका ट्रायल होने जा रहा है कल और जल्दी ये पूरे सिनेमाघरों में ये आएगी कल का भी से ट्रायल में होगा तो 100% रहना ही होगा ना उसके अंदर यस 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 थैंक यू प्रोग्रेसिव फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट ये ऑर्गेनाइजेशन ने आज ह्यूमन राइट फाउंडेशन यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया बहुत से लोगों को शहीद मंगल पांडे एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजा मैं भी एक अवार्डी हूँ और हमारे पिता तुल्य आदरणीय शर्मा जी दिलीप सेन जी जितेंद्र सिंह जी और सभी रोहित जी ऐसे वेरी सीनियर ऑनरेबल डिग्निटरीज वेयर हियर जिन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन यहाँ पर लोगों को दिया हमारे जैसे युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन शिविर था जिसमें हम सब हमारे आगे के अपकमिंग पड़ाव में ये सभी चीज़ों का हमें फ़ायदा होगा मैं मुकेश पांडे और राकेश पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर बनाया धन्यवाद हर वर्षों की भांति इस साल भी मनीष पांडे जी और राकेश पांडे जी ने प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से हर साल ही आयोजन होता रहता है इस साल भी उसी क्रम में हुआ है और 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है उसके अनुक्रम में प्रगतिशील विचारों को रखने के लिए और समझने के लिए और मानव अधिकार के संदर्भ में हम कितना प्रगतिशील होने जा रहे हैं हर वर्ष आने वाले वर्ष में हम एक नए नए मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उसको आत्मसात करते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के विभिन्न कोनों से लोग आए हुए हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं अलग अलग महानुभाव आए हैं अपने अपने क्षेत्रों के जो है बहुत ही जानकार उत्तम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं ये दर्शाता है कि हमें मानव अधिकार की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रगतिशील समाज की तरफ जाने के लिए अच्छा सुनहरा मौका है और जिसके लिए मैं इस आयोजन को किया गया है प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से मुकेश पांडे जी और राकेश पांडे जी ने बहुत बरसों से जो काम कर रहे हैं ये करते रहे और हम सबको भगवान ऊपर वाले की तरफ से एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहे कि हम सब लोग ऐसे ही इकट्ठे होते रहें और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहें धन्यवाद थैंक यू वेरी मच ये ट्रेनिंग आपसे ही है हम लोग को डे पर यहाँ
पे ये कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें, क्या आपका रिव्यू क्या है इस कार्यक्रम को देखकर और क्या कुछ कहना? प्रोग्रेशन फाउंडेशन और इस तरह के अन्य ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेरा ये कहना है कि बहुत ही अच्छा काम है और जो भविष्य में भी अच्छा काम करेंगे, और ये इनका इस तरह का काम वाकई में बहुत ज़रूरत है इस देश में। मानव अधिकार बहुत बड़ी चीज़ है और इसका प्रोटेक्शन भी बड़ा आवश्यक है। देखिए ढेर सारी शुभकामनाएं पहले मैं उनको देना चाहूँगा जो इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं, अवेयर करते हैं और ये बताते हैं कि ह्यूमन राइट्स हुआ, फंडामेंटल राइट्स है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अधिकार दी गई है और उसको कब निभाना कैसे निभाना है ये बार बार हमें याद दिलाया जाता है। अब हमारा ये समय आ गया है क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं। अब हमें ठान लेना है कि अपने अधिकारों के साथ, मानवता के साथ, इंसानियत के साथ काम करना है, आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव फाउंडेशन अपने उसी राह पे चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर कोई आदमी देश की तरक्की के लिए अपने आसपास लोगों को आगे बढ़ाएगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्रेसिव फाउंडेशन के जो करता धरता है हमारे राकेश पांडे जी, मुकेश पांडे जी को बधाइयां दूंगा कि जिन्होंने हम सबको एक मंच पर बुलाया और सबको एकत्रित किया। ये देखिए कि कोई काम एक आदमी से नहीं होता है, तो इसी तरीके से इन्होंने सबको जोड़ा और आज इतनी इतनी महान यहाँ लोग हाजिर हुए और उनको देखते हुए मेरे को भी हिम्मत आ गई कि जो हमारे जो अभी अधिकारों के लिए जो हम नहीं समझ पा रहे हैं और जिन लोगों को अपने अधिकारों का समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम कैसे लड़ें क्या करें, तो वो ज़रूर प्रोग्रेसिव फाउंडेशन के पास आए हैं, मुकेश जी के पास, राकेश जी के पास, इवन मेरे पास भी, और यहाँ अभिजीत राणे साहब है, सर जी हैं, इन लोगों के पास आए। तो अपने राइट्स के बारे में पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए और इस प्रोग्रेसिव फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। थैंक यू। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण, प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट मानवता के लिए, और इसके अध्यक्ष राकेश पांडे जी हैं। मैं इससे मुंबई इंचार्ज के तौर पे जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं पूर्व नगर सेवक भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मुंबई महामंत्री, जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। तो मानवाधिकार के लिए जैसे बहुत सारे कार्य होते हैं, कभी गरीब लोगों को पुलिस चौकी में शिकायत नहीं ली जाती है तो उसके विषय पर लोगों की सेवा करना, हॉस्पिटल्स में एडमिशन के तौर पे सेवा करना, लोगों को इलाज के लिए मदद करना, और बहुत सारे बच्चों को जब एडमिशन के तौर पे तकलीफें आती है तो हम लोगों का जो एक ग्रुप है, एक प्रतिनिधि मंडल है, वो जाके लोगों को उसके एडमिशन के तौर पे लोगों को मदद करता है एडमिशन दिलाने के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि मैं इनके पिछले में 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, राकेश पांडे जी इसके अध्यक्ष हैं, और मैं देखता हूँ कि जैसे कि इन्होंने अभी बातें कही कि जैसे कोर्ट के अंदर किसी गरीब का अगर सुनवाई नहीं होती है तो उनके लिए ये लोग वकील भी मुहैया कराते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो, पहला ये इनका कार्य है। हॉस्पिटल के कार्य हैं, हॉस्पिटल में जैसे मरीज को किसी चीज़ की मदद हो, कई छोटी मोटी तो भी ये इनका प्रोग्रेसिव फाउंडेशन हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी खड़ा होता है। उसके बाद स्कूल में बच्चों को छाता वाटप हो, बुक देना हो, ये सब चीज़ें जो है ये प्रोग्रेसिव फाउंडेशन जो है समाज के कार्यों के लिए और मानव उत्थान के लिए ये कार्यक्रम जो है ये प्रोग्रेसिव फाउंडेशन जो है करती है। मतलब साल भर ये जब कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम के बाद उसका लेखा जोखा जो होता है ये 10 दिसंबर को होता है और यहाँ पे बड़े बड़े लोग आकर अपना अनुभव
बोलते हैं, शेयर करते हैं, और वह मानव से भी लोगों को कैसा फायदा मिले, समाज को कैसा फायदा मिले, नीचे के वर्ग तक कैसे उसका फायदा मिले, इस तरह का यहाँ पे कार्य होता है। और मैं चाहूँगा कि इनका दिन दुनी रात चौगुनी ऐसी इन लोग कार्य करते रहे और आगे बढ़ते रहे। आज देखिए, ये जब प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, जब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं दिल से इनकी सराहना करता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे सारा कुछ हो रहा है, बहुत बढ़िया है। जब भी आते हैं आज सीखने को, हर जितनी बार भी आते हैं तो नया सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा है। जैसे हमारे कपूर साहब हैं, ये भी बड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं, इनको सब आज बहुत खुश हुए हैं इनकी बात सुन के। तो एक कहने का मतलब है, एक मैसेज आ रहा है अपना, बहुत अच्छा मैसेज आ रहा था। ये बहुत अच्छी बात है, आज तक दूसरी जगह कहीं छोड़ने को नहीं मिलती जो आज ये कर रहे हैं। ये कोई भी सुनाने वाला आज ये ज़माने में बहुत अच्छा है। आपने के लिए बहुत अच्छा, आपके यहाँ से अपने बच्चों के लिए, अपने सारों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं इनके साथ पिक्चरों से भी जुड़ा, मैं एक्शन डायरेक्टर हूँ और आज ये 50-40 साल के अंदर मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। ये अच्छा है सारा, भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है। इनके साथ जुड़ा हूँ जेल से मैं, क्योंकि पांडे की मैंने 2 पिक्चर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, पूरा को सीख के जाते हैं, पूरा आगे सीखेंगे। मुझे भी उन्होंने बड़ा अहदा दिया है मलाड का, तो मैं प्रेजिडेंट हूँ। तो कहने का मतलब किसी चीज आपके, मैं बहुत अच्छी तरह इनके साथ जुड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं शिरकत किए हैं आप, और क्या कुछ कहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन पर, खास करके राकेश पांडे जो इसके प्रेसिडेंट हैं? मैं इनके प्रेसिडेंट को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि आज 15 साल से जुड़ा हूँ मैं इनके साथ। इन्होंने मेरी एक फिल्म में मंगल पांडे का रोल किया था, तो बहुत ही फिल्म सुपर ही फिल्म थी। फिल्म का नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसमें राकेश पांडे जी ने मंगल पांडे का रोल किया था। आज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वही मंगल पांडे जी के नाम से आज के दिन अवार्ड भी देते हैं हर साल से। मुझे लगता है आज 15 साल से ये अवार्ड बांटते आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा है। लोग जुड़े हैं फिल्म इंडस्ट्री के, लोग जुड़ते हैं इसमें, और बहुत से समाज सेवा करने वाले लोग मिले हैं। बस मैं बधाई देना चाहता हूँ राकेश पांडे जी को और इनके ब्रदर को भी, जो दोनों इनके पिताजी भी जुड़े थे, सो संजोग से वो नहीं आ पाए, लेकिन राकेश पांडे जी बहुत सज्जन आदमी हैं, समाज सेवा में तो है ही हैं, बस फिल्मों में हीरो का भी रोल कर रहे हैं, और मेरी आने वाली भी 1-2 फिल्मों में हैं वो। बस बधाई देना चाहूँगा कि ये इसी तरह से और भी आगे काम करते रहें और समाज सेवा में जुड़े रहें। धन्यवाद प्रोग्रेसिव फाउंडेशन को, धन्यवाद। और एक खुशखबरी मिली है आपके माध्यम से, 5,000 जो कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। और मुझे बहुत खुशी है कि प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ने इतना बड़ा अवार्ड किया और मुझे सम्मानित किया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। और मुझे इंडिया में 5,000 से भी ज़्यादा इवेंट मिले और एब्रॉड में भी मिले हैं, तो उसके लिए मैं मेरे माँ बाप का, मेरे स्टाफ का और मेरे क्लाइंट का और भगवान का सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ, मुझे इस लायक बनाया। और मैं और ह्यूमन सेवा करूँ, ह्यूमन राइट्स के लिए जो भी काम है वो फ्री में करूँ, और मेरे चैरिटी हॉस्पिटल है मैं डायलिसिस की फ्री में, गरीब लोग के लिए खाना देने से लेके एजुकेशन एंड मेडिकल हेल्प के सिवा, ह्यूमन राइट्स के सिवा, उसके जरिए जो बड़े में बड़े सोशल वर्क के, मैं एनी टाइम 24/7 सोशल वर्क के लिए तैयार हूँ।